हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब ब्लॉग चैनल। तो आज क्या मेरी इवनिंग ड्यूटी है, तो अभी मैं नाश्ता कर रही हूँ, जो कि सुना नहीं कर रही है। ये अपने व्रत वाले नमकीन खा रहे हैं और मैं और ये खा रहे हैं। क्या है ये, क्या खा रहे हैं? आलू वाला। तो गाइस, जैसे हमारे पास ज़्यादा सामान नहीं है, बट आई वॉन्ट टू शो यू कि मैंने कैसे बनाया है ये। इसके अंदर पहले आलू भरे हैं, फिर मैं डालूंगी खीरा, पुटिंग सम खीरा और सम दही, जो कि ख़त्म हो गए क्योंकि दो सैंडविच ऑलरेडी खा चुकी हूँ गाइस। ऐसे फिर इसमें लगा देंगे इसका ढक्कन। ये बन गया एक सैंडविच। सेम ऐसे ये भी बनाया, फिर इसको सॉस में डुबो के, जो कि सॉस भी खत्म हो गया। अच्छा, और इतने ज़्यादा चाय। भले ही यहाँ पे हमने ऐसे बिखेर रखा है, बट खाने में बड़ा मज़ा आ रहा है। गाइस, मैं खा रही हूँ दही और आलू, थोड़ा इसकी नमकीन भी खाते हैं, है ना? जगराट। तो मैंने अभी अपने घर के सारे काम निपटा लिए हैं और सोना भी कॉलेज चली गई, मैं भी नहा लू के, मतलब सारे काम कर लिया मैंने। अभी भी थोड़ा मेरे पास टाइम बचा है, तो मैं सोच रही हूँ कि ना मैं रील्स बनाऊँ, क्योंकि मेरे पास रील्स ही नहीं है पोस्ट करने के लिए इंस्टाग्राम में। तो मैं एक दो रील्स बनाती हूँ, फिर उसके बाद तैयार होंगी। फिर मैं सोच रही हूँ कि आज थोड़ा दिखाऊँ अंदर का सीन, क्योंकि अगर मुझे टाइम मिला तो, वैसा टाइम नहीं मिलता बिल्कुल भी गाइस, अगर टाइम मिला तो मैं दिखाऊँगी। ओके बाय। तो अभी मैं तैयार हो चुकी हूँ, और मैं एक बात बताऊँ, जब मेरे पास बहुत टाइम रहता है ना, तो मेरे बाल कभी अच्छे नहीं बनते। तो दोबारा आ गया मेरे उसमें हद ना, मेरे बाल कभी अच्छे नहीं बनते। पहले मैंने इधर से फ्रेंच की इस टाइप कि वो अच्छा नहीं लग रहा था, फिर मेरे पास इतना टाइम था, मैंने दूसरा स्टाइल किया, वो भी अच्छा नहीं लग रहा, फिर मैं अपने बेसिक स्टाइल पर आ गई। और ये कुत्ता इतना रोता है ना, बॉय वॉट क्यों रोता है तू? हमारा कुत्ता तो कभी नहीं रोता। चुप मैक्सी, क्या हुआ, क्या है? इतना रोता है ना, बाय गॉड। पर एनीवेज, मैं क्या बोल रही थी, मेरे बाल बिल्कुल अच्छे नहीं बन रहे, मैं क्या करूँ, छोड़ो, टाइम भी नहीं बचा, अब ऐसे ही जाना पड़ेगा। तो गाइस, अभी मैंने अपने पेशेंट का सारा ट्रीटमेंट कर दिया है। मेरे पास अभी मैं न्यू हूँ ना, तो मुझे दो पेशेंट मिले ओनली, पर दो में भी इतना काम है, मैं क्या बताऊँ। अभी मैं फाइल वर्क कर रही हूँ, यहाँ पर बहुत फाइल वर्क होता है, मुझे थोड़ा डर भी लग रही है, क्योंकि अभी मेरी मैम यहाँ पे नहीं है ना, मतलब सीनियर दीदी, तो इसलिए मैं रिकॉर्ड कर पा रही हूँ। चलो देखते हैं, अभी मुझे बहुत काम करना है, बहुत ज़्यादा फाइलें हैं। और तो इस वार्ड में मेरा फर्स्ट डे है, अचानक से मुझे पता चला कि मुझे आज वार्ड ही चेंज हो गया, अब मुझे सारा दूसरे वाले वार्ड का भी काम आ गया था सिर्फ तीन दिनों में। अगर यहाँ आकर भी मुझे लगता है मैं कर ही दूँगी, क्योंकि वार्ड वही है, बस उसकी यूनिट अलग है। पे ना मोस्टली पेशेंट लोग क्या रील्स देखते रहते हैं, और वो भी गढ़वाली गाने वाले, और मुझे हमेशा ये डर रहता है कहीं कहीं मेरी रील्स ना देख लिया। और क्या बोला तूने? हमेशा ये डर रहता है कहीं कहीं मेरी रील्स ना देख लिया और फिर मुझे सामने देख लें, मुझे बड़ा शर्म आएगा। मैं इसी उसमें रहती हूँ कि नहीं नहीं नहीं, जैसे कोई वहाँ पर रील्स चलाता रहता है ना, मैं वहाँ पर जाती ही नहीं पहचानने का, तो थोड़ा अजीब हो जाएगा ना। फिर वैसे इतना भी क्यों बोल रही होंगी, मैं इतनी भी तो फेमस नहीं हूँ। यहाँ पे मेरी मेडिकेशन हो गई है, अभी फाइल का काम करना है और फिर रिपोर्टिंग करनी है, फिर उसके बाद तो टाइम हो ही जाएगा। तो गाइस, पूरे 8:30 बज चुके हैं और मैं अभी फ्री हुई हूँ। गाइस, अभी पहुँच रही हूँ अपने घर में, 9 बज चुके हैं। इतना रिग्रेशन हो रहा है ना, मुझे नहीं करनी है, जब मेरी हालत तो देखो, देखना सुनना कितनी गंदे लग रही हूँ मैं। हाँ, ये कर लो पहले। मैं ही हूँ वो प्रियांशी नेगी, इतनी गंदी हालत, मुझे नहीं करनी है वो जॉब यार। इतने में तो सच्ची मॉल में भी काम करूँगी ना, उससे ज़्यादा सैलरी मिलेगी और उससे कम काम होगा, ऐसा हो रहा है।
करा मैंने ये, भगवान मैं तब पछता रही हूँ, पर क्या करूँ। छोड़ो आप ऐसा होपलेस मत हो। हाँ छोड़ दूंगी बहुत जल्दी, वैसे भी आप पता है मैं बहुत जल्दी बोर गया, पर ये तो जिंदगी का सबक है। कोई नहीं, भगवान अगर ये लिखा होगा मेरी किस्मत में यही होगा। गाइज ये रोज इतना ही लेट आएगी ना तो मैं खाना नहीं बनाने और वाली आज धीरे इसने धीरे। खाना बना लिया होगा तो ज्यादा बन रही। तू अपनी चुप बहन रहे, पता है गाय, सुबह जो मैंने आपको गाय दिखा, गाय गाय। सुबह जो मैंने आपको नाश्ता दिखाया था ना, सिर्फ वो खाया है, तब से कुछ नहीं खाया। अभी 9 बज गई रात की। मैंने तो सुबह जो खाया था ना आलू, बस वो ही खाया है। फिर तो व्रत है मेरा, ये कौन सा व्रत है, मेरा भी एक तरफ से व्रत ही हो गया। जो सुनो तुझे ये मोटे गाल दिख रहे हैं ना, अब वो नहीं दिखेंगे, अब ये पतले हो जाए। नहीं यार मार्क्सम, अगर ऐसा रहा ना छोड़ दूंगी मैं। थप्पड़ खाएगी मैं, क्या बोल रही, चौथे दिन में आया था शराब हो वही तो अभी तो पार्टी शुरू नहीं यार हुई सच में है। छोड़, बहुत काम था, अरे बाद में बहुत तुझे ज्यादा। आदत पड़ जाएगी। अबे नहीं, दो ही थे हम, और पता पेशेंट कितने ज्यादा थे, और इतना काम रहता है, इतना काम। छोड़ो, खैर खाना खाते हैं फटाफट। तो गाइस अब खाना खाने बैठी हूँ और सुना ने बनाया कद्दू। तो क्या दिन भर से भूखी रही, सब कद्दू कुछ खाने के खाना लिए। सीख। गाइस तो मैंने बनाया है कद्दू और इसको नहीं खाना है। क्यों, सब कुछ खाना सीख, देख कितनी सुंदर लग रही है अभी, ऐसा खाएगी तो बहुत अच्छी लगेगी। इतना काम करने के बाद खाने को मिल रहा कद्दू। यार पता है जब ना इंसान थका हुआ होता है ना, उसको जो भी मिलता है वो सब टेस्टी लगता है, ठीक है ना। और मैंने मेहनत से बनाया है भूखे पेट। हाँ तो हमने खाना खा लिया, और आज के खाने में ना मज़ा नहीं आया, थप्पड़ खाएंगी तो मज़ा अच्छा नहीं आया। मतलब मज़ा आया पर कद्दू की सब्जी गाइस थी। इसमें पूरे रोटी भचका दी है, इसको कुछ और इंटरेस्टिंग खाना। मेरे को थोड़ा सही खाना था, यू नो बहुत फीलिंग टाइम में अपने खाने को लेके बहुत वो हूँ कि जो मेरे मन में आता है ना वो खा लेती हूँ भाई, क्योंकि एक ही बार तो ज़िंदगी मिली है, और खाने के लिए ही हम इतने मेहनत कर रहे हैं, तो क्यों खाना हम अपने पसंद का ही खाएं, बाकी को मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती हूँ। वैसे भी मेरे पैसे खाने में होते हैं, बाकी मैं कुछ सामान सामान में मेरे कुछ पैसे नहीं जाते। तो हम जा रहे हैं, अभी 9 बज रहे हैं, 9:30 भी होने वाले हैं, और अब जा रहे हैं हम दुकान। हमें लेना है दूध और कॉलगेट भी नहीं था, कॉलगेट और थोड़ा खाने के लिए मतलब बिस्किट विस्किट लूँगी मैं। दीदी नीचे मस्त मस्त ओके तो चाहती हूँ भाई। कितना भयानक लग रहा है, हटो आंख में टॉर्च चमका रही है मेरे। कितनी भयानक लग रही है, इतनी भयानक। घर में ऐसे रहती हूँ, फिर से चलिए जैसे चल रही थी। गाइस इसने हग दी। मैं इसको अपना दुखड़ा बता रही थी गाइस, कितना भयानक लग रहा है रात को। मैं इसको अपना दुखड़ा बता रही थी कि मुझे ऐसा वार्ड मिल जाए जहाँ बहुत सारे स्टाफ हों और मुझे कम काम कराएं, ताकि मैं वहाँ खाऊं पीऊं रील्स बनाऊं। अरे भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं, और मैंने ऐसे इमेजिन किया था। गाइस इस भयानक रास्ते को देखो, कितना ज़्यादा भयानक है, और हम इस रास्ते में चल रहे हैं, और यहाँ एक मुझे कुछ दिख रहा है। भाई हो, भाई हो, भाई हो। कबाड़े में तुमसे ना हो पाएगा। तो गाइस मैंने सामान ले लिया, और देखना चाहोगे मेरे थैले में क्या है? नहीं। आपके थैले में क्या है? मेरा फेवरेट। अरे घर जाके देख। नहीं तू कर। अभी गाड़ी आ रही है पीछे से, टीने कर रही है रात को, खाली सड़क में भी एक्सीडेंट करेगी। आप पूछते थे ना तुम्हारे चमकते दांतों का राज क्या है। और ये क्या है वो मेरा। हाँ ठीक है, अब पागल सड़क में निकल रही नहीं है। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। गाइस और ये इसकी चॉकलेट, सुनना ने जबरदस्ती करके मुझसे इतनी महंगी चॉकलेट। गाइस ये मुझे 25 रुपए की चॉकलेट नहीं दिला रही थी, सोचो। इसमें है मेरा वही फेवरेट वाला बिस्किट, मेरा फेवरेट जो तुम मुझे कभी नहीं दिलाती, अभी बड़ा लिया इसने मेरे फास्ट के टाइम। दूध के मामले में कभी गरीबी नहीं करती गाइस, क्यों नहीं करती है। नहीं इसकी
इसकी सच्चाई मैं बताती हूँ, ये ना कभी भी फुल क्रीम नहीं लेती, 20 वाला दूध लेती है। मैं फुल क्रीम लेके आती ना तो मेरे ऊपर बहुत भड़कती है, बहुत ज्यादा। इससे तो क्या साबित करना चाहती है, देखो गाइस मैं कितनी वो हूँ, लो मेंटेनेंस। लो मेंटेनेंस बोलते हैं आजकल के जमाने में, लोगों को ऐसी लड़कियां पसंद आती हैं जो कंजूस होती हैं। सीधी भाषा पुकारती हूँ, लो मेंटेनेंस। तो ठीक है गाइस, हम भूत लग रहे हैं तो कुत्ते भी हमारे वो देख रहे हैं कि कर क्या रहे, क्यों डरा रहे हो भाइयों। तब गाइस ठीक हुआ, ये मुझे नहीं दे रही थी ना, मैंने तो ये इससे छीनी भाई, मैंने मतलब मैंने इसे दिलाई और इसने मुझे नहीं दी। मैं दे रही थी बट लास्ट वाली, अब तूने ले ली है, नजर देखो इसकी। चाय बनाने जा रही हूँ और इससे नहीं दूंगी। इसने मुझे इसलिए बोला चाय बनाने के लिए क्योंकि उसे पता था भरे पान जूठा हो रखा है ना, कमीनी कुत्ती। अब भरे पान धुलो तब चाय बनाओ, इतनी गंदी किसी की जिंदगी हो सकती है गाइस? बनाऊंगी किसी दिन अपने जिंदगी के सैड पे गाने, सैड क्या बोल रही मैं, किसी दिन अपनी जिंदगी की सैड स्टोरी आपको सुनाऊंगी। इस हंसते हुए चेहरे के पीछे भी एक राज है, देखिए बोला मैंने, हाँ सच में है गाइस। अगेन ये मेरे साथ नहीं होगा तो किसके साथ होगा? गिर गई चाय, जबकि मैं यहीं पर खड़ी थी। 2 मिनट मेरी नजर फोन में क्या गई, यहाँ पे दुर्घटना घट गई भैया, यहाँ देखो ना गिर गया, जबकि मैं यहाँ पर खड़ी थी। क्या बोलूं अपने लिए, तेरे लिए लाई मैं चाय, आधी गिर गई थी नीचे ना, पागल वागल है क्या, तेरे को कौन दे रहा, मैं तो खुद पी रही हूँ। अरे किचन में रखी है, ओवरएक्टिंग का काम कर रहा है यार, घटना बनी यार चाय, सॉरी। इतनी ज्यादा भर के मत दे, आधी कप चाहिए मुझे, ये इतनी हिल क्यों रही है पानी जैसे। इसमें पानी ज्यादा पड़ गया यार, मैं दूध बचाने के चक्कर में। तुम कभी मुझे अच्छी चाय क्यों नहीं पिलाते, कम करना थोड़ा। इसने बिस्कुट भी कल के लिए नहीं बचाने दिए, तो पागल है क्या, मैंने थोड़ा मंगाया, अभी खाना मैंने तेरी मंगाए, बोल रही हाँ बिस्कुट भी खाना है, मैं तो कल के लिए बचा रही थी ताकि मैं अकेला अकेला खाऊं, मैं 2 बिस्कुट से ज्यादा नहीं खाऊं। तो गाइस मेरे दिन की शुरुआत होती है खाने से, एंड होती है खाने से, खाने पे। और ये था आज का मेरा अजीब अजीब दिन, आई होप कि मुझे पता है आप इसको भी लाइक करोगे और बहुत ज़्यादा कमेंट करोगे जो कि नहीं करते हैं। मेरे कितनी गंदी चाय बनाई, अदरक ज़्यादा हो रखा, गजब बेइज्जती है, ज़्यादा हो रखा, इसलिए तो मैं तुझे बोलती हूँ तो चाय अच्छी बनाती है। तू कब अच्छी बनाएगी रोटी के लिए, तो मुझे मैं बोलती हूँ ना अभी तो बेटे गाइस मैं बोलती हूँ मुझसे रोटी नहीं बनती, तो कहती है तू कब सीखेगी बना, तू कब सीखेगी बना, लोग चाय से ज्यादा रोटी पसंद, लोग रोटी से ज्यादा चाय पसंद करते हैं। क्या बोल रही है, चाय चाय, पता क्या मैंने ना दूध कम डाल दिया, मैंने सोचा सुबह के लिए बच जाएगा है, और ना अदरक ज्यादा डाल दी, बस इतने तो करा मैंने। वैसे मैं अच्छी चाय बनाती हूँ, अगर छक भर के तुम दूध डालो उसमें इलायची डालो अदरक डालो तो चाय टेस्टी कैसे नहीं बनेगी, जो क्या करती है ये पूरी, एक भी तुझे वही चाहिए पूरी ना, ये ना एक बारी का दूध ना, मतलब पूरा एक बारी का तो नहीं, 34 रुपए का दूध ना, 2 कप चाय बनाती है, ऐसी है ये, घर की आदत लगी हुई। गाइस अब मैं ना सोने जा रही हूँ, सोने जा रही हूँ, क्या करूँ मेरी लाइफ इतनी बोरिंग है, तो मैं क्या करूँ, मैं आपको बोर करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती। ओके बाय, गुड नाइट, हैव अ स्वीट ड्रीम्स, और क्या लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, ओके बाय।